नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कौन सी जगह है? पालड़ा में है और एक जबरदस्त रिजल्ट के साथ में है। हमारे साथ में यहाँ पे थाने प्रभारी एसआई बैठे हुए, आईएसआई। अच्छा, तो और मैडम जी भी थाने से ही हैं। तो जब सर आए थे उस समय सर को बहुत तकलीफ थी और चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। आइए सर से पूछते हैं, सर अगर हिंदी में बोल पाए तो ज्यादा अच्छा है, बाकी फिर आप अपने उड़िया भाषा में भी बोलेंगे। तो सर थोड़ा सा क्या नाम लिखते हैं आप बताएं, आप अपना नाम क्या बताएंगे? अच्छा, ये कौन सी पोस्ट होती है सर? कौन सा पोस्ट होती है ये? क्या इंस्पेक्टर? अच्छा, इंस्पेक्टर है। तो सर आपको क्या तकलीफ थी जब आप आए थे? मेरा थोड़ा नॉक प्रॉब्लम था। चल नहीं पा रहे थे? चलते थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब चलने में एकदम लड़ा के चल रहे थे आप, चलने में बहुत दिक्कत थी, चलने में दिक्कत थी आपको? ठीक है। और सर को अभी हम लोगों ने कुछ औषधियाँ दी हैं और उन औषधियों के बाद अभी मुझे लगता है 20 मिनट हुआ है सर, और 20 मिनट बाद अभी आज देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। आइए सर, थोड़ा खा हो गए, थोड़ा बताइए कि कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है सर? आराम हो गया? अभी चल कर दिखाएंगे सर, थोड़ा सा चल कर दिखाइए कैसा लग रहा है। और ये देखिए पूरी तरह से जोर दबा के आपको पूरा आराम हो गया। आपने कभी सोचा था सर कितना जल्दी आराम मिलेगा आयुर्वेद में? नहीं। भाई बैठिए, आप मुझे एक बात बताइए सर, इसके पहले भी आपने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया होगा बड़ी मैडम जी, और बहुत सारी दवाएं भी खाई होंगी। मैंने आपको कोई दवा नहीं खिलाई अभी, मैंने सिर्फ कुछ एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की कुछ औषधियाँ दी हैं, वेंडावायल और जेसीआर का इस्तेमाल करवाया है और सर पंच तुलसी ले ही रहे हैं, पर लेने की जो मात्रा है और जो लगाने का जो तरीका है मैंने सिर्फ उस चीज़ का इस्तेमाल किया। लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते सही तरीके से, इसीलिए ये दर्द नहीं जाता। ये सर दर्द कहाँ पे था? कमर में, जब आपने इसका एमआरआई करवाया, एमआरआई में क्या बताया सर? इस्तेमाल इस तरीके से किया कि सर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, अभी आप देख रहे हैं चल पा रहे हैं। सर आपने उम्मीद की थी कि जब आप आए थे, अच्छा डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, और सर आपने उम्मीद की थी कि इतना जल्दी आपको इतना अच्छा आराम मिलेगा बिना कुछ खाए पिए? नहीं नहीं, उम्मीद किया था आपने? नहीं नहीं किया। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। आप अपनी भाषा में, उड़िया भाषा में कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को कि क्या तकलीफ था क्या? मैं चाहूंगा मोतीलाल जी आप अपनी बात करिए। वो जानने चाहती सर कि आपको यदि 10-15 मिनट 20 मिनट जिते शानदार रिजल्ट मिलला कि आपन को मानको जिते सर स्टाफ अछंती जनसाधारण जिते बोलन अछंती, तो एक्चुअली एही एही औषध यूज करबा कि दरकार या दरकार नै सर? एबे तो आराम ना होची, देखिया मेडिसिन खैला परे एते दूर पूरा पूरी भलो होची नै, एटा देखिबार अछि। अगेन एबे तो पूरा आराम ना होची नियाती, पुणे आगे आगे जो औषध अछि सर को हमें कंटिन्यू जारी रखियो कि हमें औषध साथ सर को बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए जो तेल सर ने इस्तेमाल किया है ये दर्द मात्र 2-3 घंटे ही ठीक रखता है, पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब तक इसकी लिक्विड जो औषधियां है पूरा डोज नहीं लिया जाएगा ये परमानेंट ठीक नहीं होता, पर फिर भी औषधियों से सर को बहुत अच्छा राहत है। और सर जब इसका पूरी औषधियों का डोज कंप्लीट करेंगे मुझे पूरा यकीन है कि जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगी। सर आपको भी लग रहा है इसका पूरा डोज कंप्लीट करने पे आपको आराम पूरा मिल जाएगा 100%? अभी तो विश्वास है, विश्वास हो रहा है, और ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है सर। मैं बधाई देता हूँ आपको कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट आया है और बहुत वाकई में अच्छा लग रहा है। मैडम जी कैसा लग रहा है? सर तो आपके साथ आए थे थाने से, तो जब आए थे तब ऐसे ही आए थे कि उस समय चलने में दिक्कत थी? बढ़िया से चलना हुआ था, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।